आर्मी के नए चीफ जनरल मनोज पांडे ने रिसेंटली एक स्पीच में 6 पॉइंट्स के बारे में बात करी है कि इंडियन आर्मी के आने वाले समय में 6 इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एरियाज क्या रहेंगे। सबसे पहले ऑपरेशनल कैपेसिटी, सेकंड इंटर सर्विस कोऑपरेशन कि आर्मी का कोऑपरेशन एयरफोर्स और नेवी के साथ इंक्रीज किया जाएगा और आर्मी अकेले नहीं बल्कि बाकी दोनों सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करेगी। तीसरा स्टेटस क्वो ऑन द LAC कि चाइना अपनी मर्जी से यूनिलेटरली कोई स्टेटस चेंज ना करे। और चौथी प्रायोरिटी होगी टू प्रिवेंट लॉस ऑफ टेरिटरी कि हमारे को टेरिटरी का लॉस जो है वो प्रिवेंट करना है, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान वो हमारी टेरिटरी ऑक्यूपाई ना कर पाए। पांचवा है टू प्रमोट आत्मनिर्भरता मतलब कि सेल्फ डेवलप्ड इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना। और छठा है कन्वेंशनल वॉर्स के लिए प्रिपेयर करना। उन्होंने कहा कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस दिखाते हैं कि कन्वेंशनल वॉर्स आज भी रेलेवेंट है।